स्वामी विवेकानंद विश्व को हिंदू धर्म की उच्च आध्यात्मिक ज्ञान राशि और महान महिमा का आभास कराने वाले पहले व्यक्ति थे। उनका नाम उनके भारतीय दर्शन, आध्यात्मवाद और वेदांत के अद्भुत ज्ञान के लिए एक श्रद्धेय स्थान रखता है। वह वैदिक हिंदू धर्म और पश्चिमी भौतिकवाद को भारतीय सहज मूल्यों के साथ एकजुट करने के अपने सफल अभियान के लिए प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। सांस्कृतिक रूप से सजग भारतीय विवेकानंद के वर्ष 1893 में 11 सितंबर को शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में हिंदू सन्यासी के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए दिए गए ऐतिहासिक भाषण के आरंभिक उद्बोधन अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों के बारे में अवश्य जानते हैं। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विश्व धर्म सम्मेलन के हजारों प्रतिनिधि, जिनमें से अधिकांश ईसाई थे, इस 30 वर्षीय हिंदू सन्यासी के शब्दों से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें सम्मेलन के अगले पखवाड़े में 5 बार बोलने के लिए आमंत्रित किया। उनके भाषण की अगली सुबह को प्रकाशित न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा, विवेकानंद निस्संदेह धर्म संसद में सबसे बड़े व्यक्ति हैं। यह भाषण मात्र 458 शब्दों का था, इसलिए 5 या 6 मिनट से अधिक नहीं चल सकता था। विवेकानंद ने एक ही विषय को केंद्र बनाकर अपना व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे धर्म पर गर्व है जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति दोनों सिखाया है। इसे उन्होंने हिंदू धर्म का मूल मूल्य माना और इसे सबसे मूल्यवान तत्व भी बताया। उन्होंने कहा, हम न केवल सार्वभौमिक सहिष्णुता में विश्वास करते हैं, बल्कि हम सभी धर्मों को सच मानते हैं। मुझे ऐसे देश पर गर्व है जिसने सभी धर्मों और पृथ्वी के सभी राष्ट्रों के सताए हुए और शरणार्थियों को शरण दी है। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो कभी भारत से बाहर ही नहीं गए थे, किंतु उन्होंने गरीबों और रोगग्रस्तों के लिए भारत भर में भ्रमण करते हुए कई वर्ष बिताए थे। उन्होंने धर्म संसद में जो कुछ बोला, वह उनके निजी अनुभव और उनकी अपनी आत्मा के अंतःकरण से निकली हुई वाणी थी। उन्होंने अपने भाषण में जो बोला, उसने वहां उपस्थित दर्शकों को आवेशित कर दिया। उनके उद्बोधन ने उनसे पहले बोलने वाले कई वक्ताओं का ओज छीन लिया। उन्होंने कहा, सांप्रदायिकता, कट्टरता और इसके भयानक वंशजों के धार्मिक हठ ने लंबे समय से इस खूबसूरत धरती को जकड़ रखा है। उन्होंने इस धरती को हिंसा से भर दिया है और कितनी ही बार यह धरती खून से लाल हो चुकी है। न जाने कितनी सभ्यताएं तबाह हो चुकी हैं और कितने देश मिटा दिए गए हैं। यदि ये भयावह राक्षस नहीं होते तो मानव समाज कहीं ज्यादा श्रेष्ठतर होता, जितना कि अभी है, लेकिन उनका समय अब पूरा हो चुका है। मुझे आशा है कि सम्मेलन का बिगुल सभी तरह की कट्टरता, हठधर्मिता और दुखों का विनाश करने वाला होगा, चाहे वह तलवार से हो या फिर लेखनी से। विश्व धर्म संसद में विश्व भर के 10 प्रमुख धर्मों के प्रतिनिधि आए थे, जिनमें यहूदी धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम, बौद्ध धर्म, ताओ, कन्फ्यूशियसवाद, शिंटो, पारसी, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट सम्मिलित हैं। किंतु स्वामी जी का उद्बोधन सबसे सफल रहा। धर्म संसद के सभापति जॉन हेनरी बैरोस ने कहा कि धर्मों की माँ भारत का प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद ने किया था, जो एक भगवा सन्यासी थे। उन्होंने अपने श्रोताओं पर सबसे अद्भुत प्रभाव छोड़ा था। स्वामी जी कहते हैं कि मैं एक ऐसे धर्म का अनुयायी होने में गर्व का अनुभव करता हूँ जिसने संसार को सहिष्णुता तथा सार्वभौम स्वीकृति दोनों की शिक्षा दी। हिंदू जाति ने अपना धर्म श्रुति यानी वेदों से प्राप्त किया। उनकी धारणा है कि वेद अनादि और अनंत है। संभव है श्रोताओं को यह बात हास्यास्पद लगे कि कोई पुस्तक अनादि और अनंत कैसे हो सकती है, किंतु वेदों का अर्थ कोई पुस्तक है ही नहीं। वेदों का अर्थ है भिन्न भिन्न कालों में भिन्न भिन्न व्यक्तियों के द्वारा आविष्कृत आध्यात्मिक सत्यों का संचित कोष। मनुष्य को इस संसार में पद्म पत्र की तरह रहना चाहिए। वह मानते हैं कि पद्म पत्र जैसे पानी में रहकर भी उससे नहीं भीगता, उसी प्रकार मनुष्य को भी संसार में रहना चाहिए। उसका हृदय ईश्वर में लगा रहे और उसके हाथ कर्म में रत रहे। वेद कहते हैं कि आत्मा दिव्य स्वरूप है,
वह केवल पंचभूतों के बंधन में बंध गई है और उन बंधनों के टूटने पर वह अपने पूर्णत्व को प्राप्त कर लेगी। इस अवस्था का नाम मुक्ति है, जिसका अर्थ है स्वाधीनता, अपूर्णता के बंधन से छुटकारा, जन्म मृत्यु से छुटकारा। और यह बंधन केवल ईश्वर की दया से ही टूट सकता है और वह दया पवित्र लोगों को ही प्राप्त होती है। अतएव पवित्रता ही उसके अनुग्रह की प्राप्ति का उपाय है। उसकी दया किस प्रकार काम करती है? वह पवित्र हृदय में अपने को प्रकाशित करता है। पवित्र और निर्मल मनुष्य इसी जीवन में ईश्वर दर्शन प्राप्त कर कृतार्थ हो जाते हैं। विज्ञान एकत्व की खोज के सिवा और कुछ नहीं है। जो ही कोई विज्ञान पूर्ण एकता तक पहुंच जाएगी, त्यों ही उसकी प्रगति रुक जाएगी, क्योंकि तब वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। उदाहरणार्थ अगर हम देखें तो रसायन शास्त्र यदि एक बार उस मूल तत्व का पता लगा ले जिससे और सब द्रव्य बन सकते हैं, तो फिर वह आगे नहीं बढ़ सकेगा। भौतिक शास्त्र जब उस मूल शक्ति का पता लगा लेगा कि अन्य शक्तियां जिसकी अभिव्यक्ति है, तब वह रुक जाएगा। वैसे ही धर्मशास्त्र भी उस पूर्णता को प्राप्त कर लेगा जब वह उसको खोज लेगा जो इस मृत्यु के उस लोक में एकमात्र जीवन है, जो इस परिवर्तनशील जगत का शाश्वत आधार है, जो एक परमात्मा है, अन सब आत्माएं जिसकी प्रतीयमान अभिव्यक्तियां हैं। इस प्रकार अनेकता और द्वैत में से होते हुए इस परम अद्वैत की प्राप्ति होती है। धर्म इससे आगे नहीं जा सकेगा। यही समस्त विज्ञानों का चरम लक्ष्य है। अधिवेशन के अंतिम दिन अपने समापन भाषण में विवेकानंद ने फिर से सद्भाव और स्वीकृति पर जोर दिया। उन्होंने बताया, बहुत कुछ धार्मिक एकता के सामान्य आधार के बारे में कहा गया है। मैं अब मात्र अपने ही सिद्धांत पर ही बल देने वाला नहीं हूँ, किंतु यहाँ यदि कोई यह आशा कर रहा है कि यह एकता किसी एक धर्म के विजय और बाकी धर्मों के विनाश से सिद्ध होगी, तो उनसे मेरा कहना है कि भाई, तुम्हारी यह आशा असंभव है। क्या मैं यह चाहता हूँ कि ईसाई लोग हिंदू हो जाएं? कदापि नहीं। ईश्वर भी ऐसा ना करे। क्या मेरी इच्छा है कि हिंदू या बौद्ध लोग ईसाई हो जाएं? ईश्वर मुझे इस इच्छा से बचाए। स्वामी जी के 11 सितंबर 1893 के भाषण को इस सहस्राब्दी का सर्वश्रेष्ठ भाषण के रूप में चयन करने वाले मार्क तुली ने इसके कारण गिनाते हुए लिखा है कि विवेकानंद ने धर्म संसद के भाषण में आज आध्यात्मिक नहीं बल्कि धार्मिक होने का दावा करने वाले कई लोगों के कानों में गूंजते रहते हैं, जो विश्वास के आधार पर अन्य धर्मों को अस्वीकार करते हैं और ईश्वर के अनुभव की तलाश करते हैं। उन्होंने कहा, हिंदू धर्म संघर्षों और एक निश्चित सिद्धांत या हठधर्मिता पर विश्वास करने के प्रयासों में सम्मिलित नहीं है। यह मात्र विश्वास करने का नहीं बल्कि व्यक्ति का निर्माण करने और उसे साकार करने का मार्ग है। भविष्य को देखते हुए उन्होंने कहा, एक ऐसा धर्म होना चाहिए जिसमें विनम्रता के लिए, उत्पीड़न या असहिष्णुता के लिए कोई स्थान ना हो, जिसका पूरा परिक्षेत्र हो और पूरी शक्ति मानवता को अपने स्वयं के सच्चे दिव्य स्वभाव का आभास कराने के लिए केंद्रित हो। और स्वामी विवेकानंद ने हिंदुत्व को इसी स्वरूप में सदियों पूर्व स्थापित किया। स्वामी विवेकानंद अपने छोटे जीवन में जिस कार्य और संदेश का संचार किया, उसे संपूर्ण विश्व आश्चर्यचकित होकर रह जाता है। एक ऐसा व्यक्ति इस राष्ट्र की भूमि से जन्म लिया और यहाँ की पगडंडियों पर ही चला था। निसंदेह स्वामी विवेकानंद एक हिंदू थे और उन्हें हिंदू होने पर गर्व था, किंतु उनके दर्शन ने धर्म के जिस स्वरूप को प्रसारित किया, उसके केंद्र में मनुष्य था। उनका मौलिक योगदान यह है कि उन्होंने मनुष्य निर्माण की सर्वोत्तम विधा के रूप में हिंदुत्व को अग्रिम पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया। यह सुनिश्चित करना आज हमारा कर्तव्य है कि उनके दर्शन और शब्दों का प्रयोग सभी मानवों के कल्याण के लिए हो और प्रत्येक भारतवासी उनके आदर्शों के माध्यम से अपनी प्राचीन उत्कृष्ट संस्कृति के प्रति गौरव बोध का अनुभव कर सकें।